जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो पढ़ने की और समझने की जो कोशिश करेंगे वो रहेगा थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में। आज उसका बर्थ एनिवर्सरी है, उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग कुछ जानने की कोशिश करेंगे और हम लोग उन सब चीजों को भी इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे जो कि आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। समझने की कोशिश करते हैं हम लोग आज थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 जर्मनी में इसका जन्म होता है। इसका मतलब आज ही का दिन इसका क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है। उसका बर्थ एनिवर्सरी जो आज ही है 5 मई को, मतलब आज है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1867 में दास कैपिटल नामक एक बुक जो है वो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी और रचनात्मक या फिर जो दास कैपिटल जो बुक है या फिर पुस्तक है ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी प्रसिद्ध एक बुक थी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी फेमस एक बुक इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और इनसे जुड़ी हुई और चीजें देख लेते हैं। मार्क्स के अनुसार विश्व में अशांति एवं असंतोष का कारण गरीबी एवं अमीरों के मध्य का वर्ग का संघर्ष है। याद रखिएगा ये हमेशा अपर क्लासेस और लोअर क्लासेस के बीच के डिफरेंसेस को हमेशा खत्म करना ये चाहते थे। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स द कॉजेस ऑफ अनरेस्ट एंड डिसकंटेंट इन द वर्ल्ड इज द क्लास स्ट्रगल बिटवीन पुअर एंड रिच। ये इन्हीं का क्या था, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत इन्हीं का था। नेक्स्ट इसके बारे में क्या है कि कार्ल मार्क्स एक क्रांतिकारी, समाजशास्त्री, इतिहासकार और एक अर्थशास्त्री भी थे। कार्ल मार्क्स वॉज ऑल्सो अ रिवोल्यूशनरी, सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट। इस बात को आपको याद रखना है। पूंजीवादी और साम्यवादी पर अपने सिद्धांतों के लिए आज भी ये प्रसिद्ध है। अगर आपसे एग्जाम में अगर पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा बन जाता है। ही इज स्टिल फेमस फॉर हिज थ्योरीज ऑन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिज्म। इस बात को याद रखना है, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म हो जाएगा यहाँ पे, इस बात को आपको याद रखना है। साम्यवादी घोषणा पत्र के पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए एक संकल्प इन्हीं ने लिया था। मार्क्स इन हिज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कॉल फॉर द एंड ऑफ कैपिटलिज्म हैड रिजॉल्व। याद रखिएगा ये हमेशा अगेंस्ट में रहा था पूंजीवाद या फिर कैपिटलिज्म में, जो आज के समय में कह सकते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन होती है उसके ये ज्यादा समर्थक नहीं थे। आप देख लेते हैं अगला कुछ पॉइंट्स। मार्क्स ने फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया। मार्क्स टुगेदर विद फ्रेडरिक एंजल्स इन 1848 द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश्ड। आपको याद भी ये भी रखना है। उसके बाद 14 मार्च 1853 को इसका निधन हो जाता है। तो इनसे आपको याद रखने वाली कुछ बातें ये है कि दास कैपिटल नामक जो बुक है 1867 में कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो भी कार्ल मार्क्स का था, क्योंकि ये जो आपका जो लिटरेचर से जो सवाल पूछा जाता है जीके में, ये सवाल भी इसका एक पार्ट बन सकता है। और आपको ये भी याद रखना है कि यहां पर जो साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद समाप्त करने के लिए संकल्प कौन लिया था, कार्ल मार्क्स लिया था। और यह भी याद रखना है कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है ये किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स ने मिलकर के प्रकाशित किया था। सो गाइज, मैंने यहां से थोड़ा सा मैंने कार्ल मार्क्स के बारे में आपको जानकारी दी, इस बात को आपको याद रखना, हो सके थोड़ा सा एग्जाम में जो जीके के फॉर्म में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच।